अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट नादिया नवाज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। मेरी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं लाई हूं आपके लिए एक नई रेसिपी। जी व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूं भिंडी चिकन। और भिंडी चिकन बनाने के लिए मैंने एक पाव भिंडी ली है, एक पाव चिकन, जितनी भिंडी ये लेनी है उतना ही आपने चिकन भी डालना है, दो मीडियम साइज़ के प्याज, दो मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ी सी अदरक, तीन से चार अदद मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। जी व्यूअर्स, तो अब हम बनाने जा रहे हैं भिंडी चिकन। भिंडी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला था, ऑयल दो चम्मच ऑयल के। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। अब प्याज जब थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट से प्याज ब्राउन करके तो साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें कि प्याज थोड़े से सोते हो गए हैं। अब इसके हम अंदर हम टमाटर डालेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से इसका मसाला भून लेंगे। तो मसाला भूनने के दरमियान साथ ही इसमें मैं इसके इन्ग्रीडियंट्स डाल देती हूँ। जी व्यूअर्स, जैसे जैसे ये मसाला भूनता जा रहा है अब हम इसके अंदर तमाम मसाला जाते ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्ब ज़ायका, कुटी हुई कुटा हुआ सूखा धनिया, सूखी मेथी और हल्दी और ये तेज़ पत्ता। इन सब को अच्छे से मिक्स करके जब हमारा मसाला अच्छे से मिक्स बन जाएगा उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बस ये देखें हमारा मसाला भून रहा है। अब इसमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। इसके बाद अब हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर ब्राउन करेंगे। जब इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद अब हम इसमें जो थोड़ी सी अदरक थी वो डाल देंगे। अदरक डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर लेंगे ताकि ये जो चिकन की जो अपनी महक है वो ख़त्म हो जाए। इस पे आके अब हम इसमें डालेंगे दही, जिसमें हमने चाट मसाला ऐड करके रखा हुआ था। इसके साथ हम अच्छे से जो है ना चिकन को भून लेंगे और फिर इसके अंदर भिंडी डाल देंगे। इस स्टेज पे आके हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने भिंडी को पहले फ्राई नहीं किया हुआ था इसलिए इस स्टेज पे हम भिंडी को डालेंगे ताकि भिंडी भी थोड़ी सी इसके साथ हो जाए। जी व्यूअर्स, तो अब हम डेक्ची के ऊपर ढक्कन दे देंगे और जो आंच है वो थोड़ी धीमी कर देंगे तो इसके भाप में ये भिंडी जो है ना वो हो जाएगी। स्टेज पे आके अब हम इसमें सब्ज मिर्चें, धनिया, गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब
और बस ये हमारी रेडी हो गई है भिंडी एंड चिकन, और बस हम यहाँ इस स्टेज पे आके हम इसको बंद कर देंगे। जी ये हमारा भिंडी और चिकन रेडी है। जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।